हेलो ट्रेडर्स, वेलकम ट्रेंड एंड स्टॉक्स। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, देखिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक जो अब तक बहुत लंबे टाइम से एक अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है एंड एक रीजन बना हुआ है जिसकी वजह से बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हम लोग 16,000 का लेवल निफ्टी पर क्रॉस नहीं कर पा रहे, इनफैक्ट 35,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी पर सस्टेन नहीं हो पा रहे। और इसीलिए देखिए एक रेंज बाउंड मार्केट के अंदर हमने काम होते हुए देखा है। इनफैक्ट रिलायंस भी सेम पैटर्न के ऊपर कामकाज करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं आपको एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के अंदर दिखाने जा रहा हूं जो एक्चुअली में आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर यानी कि आने वाले कुछ टाइम में बहुत बड़ा प्रॉफिट दे सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आज के स्टेट्स जान लेते हैं कि आज क्या रहा है। तकरीबन 1.5% की गिरावट के साथ में 1,419.50 रुपए पर लास्ट ट्रेडेड प्राइस दिखा रहा है यहां पर, जबकि आप अगर डे लो देखेंगे तो 1,404 रुपए का, यानी कि रिकवरी हुई है 1,404 रुपए के ऊपर। अभी मैं आपको लेवल्स दिखाऊंगा चार्ट्स के ऊपर कि कहां जाके इसने सपोर्ट लिया है। 1,641 रुपीज का इसका 52 वीक हाई जो 16 फरवरी 2021 को लगाया था। और देखिए बैंक निफ्टी भी फरवरी के अपने लाइफ टाइम हाई के बाद में अभी तक उन लेवल्स को अचीव नहीं कर पाया, यानी कि यहां से आप कोरिलेशन निकाल सकते हैं कि जब तक एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ता है तब तक बैंक निफ्टी के अंदर भी कोई पॉजिटिव बिग मूव आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 993 रुपए का इसका 52 वीक लो जो 3 अगस्त 2020 को इसने लगाया था पिछले साल। यहां देखिए सिक्योरिटी बेस्ड डिलीवरी पोजीशंस अप्रोक्सीमेटली 75% की परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आती हुई आपको दिखाई देंगी आज की तारीख में। इनफैक्ट यही नहीं, अगर आप पिछले 4-5 दिन का इसका डेटा उठा के देखेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से डिलीवरी डेटा आपको दिखाई दे जाएगा। एचडीएफसी बैंक की हम लोग डेटा देख रहे हैं, देखिए 28 जुलाई को भी हमने देखा 74.1% की डिलीवरी है, यहां पर 27 जुलाई को आप देखिए 80.8% की डिलीवरी थी, 26 जुलाई की बात करेंगे तकरीबन 79% की डिलीवरी थी, 23 जुलाई की बात करेंगे लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ लास्ट वीक तो यहां पर तकरीबन 68% की यहां पर डिलीवरी थी। तो पिछले 4 दिनों से देखिए वेरी हैवी डिलीवरी परसेंटेज यहां पर एचडीएफसी बैंक में आती हुई दिखाई दे रही है। और ये कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि आने वाले टाइम में यानी कि नियर फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ा अपमूव देखने को मिल जाए इस बैंक के अंदर। चलिए अब चार्ट्स पर आपको दिखाता हूं, देखिए डेली चार्ट्स में आपके सामने यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं तो यहां पर थोड़ा सा और क्लियर विजन मिलेगा आपको किस तरीके से एचडीएफसी बैंक कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। रीसेंट जो इसके हाई थे वो थे 7 जुलाई के जो कि थे तकरीबन 1,540 रुपए के आसपास के, वहां से इसने लगातार गिरावट दिखाई है। और पिछले 4 दिनों से अगर आप देखेंगे जैसे जैसे गिर रहा है वैसे वैसे इसके अंदर डिलीवरी परसेंटेज बहुत जबरदस्त बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पहला पॉइंट जो ऑब्जर्वेशन का है वो ये है ग्रीन लाइन, इस ग्रीन लाइन के ऊपर पास्ट में इसने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाया है और अभी भी देखिए आज की अगर हम बात करें तो इस 200 डेमा के नीचे जरूर फिसला लेकिन वापस से क्लोजिंग जो हुई है वो एक्चुअली इसी के लेवल पर हुई है, यानी कि 1420 के जो लेवल है वो एग्जैक्टली 200 डेमा के लेवल्स हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, यानी कि यहां से रिवर्सल के चांस बनते हैं टेक्निकली हिस्ट्री अगर इसकी हम लोग देखें तो। सेकंड थिंग इज दैट देखिए वॉल्यूम्स मैंने आपको बता दिया कि पिछले 4-5 दिन से काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में डिलीवरी परसेंटेज उठाई जा रही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं इस गिरावट का फायदा इन्वेस्टर्स उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए ये चीज जरूर है दिमाग में मार्केट के ये बहुत जल्द 1500 से ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है तो ये काफी नीचे आ गया है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशंस है, एक्चुअली में ये वही लेवल्स हैं जो बेसिकली मिड ऑफ अप्रैल के आसपास इस बैंक ने दिखाए थे। तो आपको एक मौका मिल रहा है एचडीएफसी बैंक के अंदर इन लोअर लेवल्स पे पोजीशंस बनाने का, जितनी भी गिरावट आए आपको बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए इस बैंक के अंदर। तो देखिए अब इन 2 पॉइंट्स के बाद तीसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारा आरएसआई। आरएसआई का अगर आप लॉन्ग टर्म का सपोर्ट देखें, आरएसआई की फिलहाल की वैल्यू क्या है 33 पॉइंट समथिंग यहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है और आरएसआई का देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म का सपोर्ट देखें तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट्स पर आता हुआ दिखाई देगा, इसी लेवल पर आपको आता हुआ दिखाई दे जाएगा। यानी कि बहुत कम इंस्टेंस आपको ऐसे मिलेंगे अभी हिस्ट्री में जो 33 लेवल से नीचे ये क्रैक करके गया है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहां से एक रिवर्सल होने के चांसेस है। टेक्निकली एक ऐसा आउटलुक बनता हुआ दिखाई दे रहा है एचडीएफसी बैंक में जिसके अंदर आप एक बहुत अच्छा ट्रेडिंग का मौका भी कमा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि
इतने बड़े बैंक के अंदर ये जो गिरावट आई है ये अपने आप में एक बहुत अट्रैक्टिव मौका है, इसको मिस नहीं करना चाहिए और यहां से आप डेफिनेटली देखिए पोजीशंस बना सकते हैं। इन केस अगर ये रिवर्सल लेता है तो ये कहां तक जा सकता है वो चीज हमें देखनी होगी। देखिए अभी बहुत छोटे ट्रांचेस में इसके अंदर गिरावट आई है, हालांकि हमने देखा जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने रिएक्शन दिखाया, कई बार यहां पर गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली है, जैसे कि आप देखेंगे 19 जुलाई को बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग थी। तो यहां पर अगर कोई अपमूव बनता है तो एकदम से ट्रिगर हो सकता है, देखिए वो अपमूव यहां से एकदम से बहुत बड़ा रिवर्सल आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले टारगेट जो होंगे वो मेरे लिए कोई छोटे मोटे टारगेट्स मुझे नहीं लगता यहां पर आएंगे, सीधे आपके सामने 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वहां तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। यानी कि करंट पोजीशन से तकरीबन अगर आप देखें तो 50-55 रुपए तक का अपसाइड इसके अंदर रीसेंट में पॉसिबल है। 1475 रुपए तक के टारगेट आपको नियर फ्यूचर में एचडीएफसी बैंक में दिखाई दे सकते हैं, जिस तरीके से यहां पर वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं और इन करंट लेवल से अपनी पोजीशंस बनाना चाहते हैं फिर आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है, तो मैं समझता हूं स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा डीपर रखने की जरूरत नहीं है, आपको 1390 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 1390 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल से बाय कीजिए एंड पहला टारगेट आपको 1475 रुपए का देखने को मिल सकता है। और देखिए इनकेस ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो डेफिनेटली फिर अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ निकलता हुआ दिखाई देगा, जो कि तकरीबन 1550 रुपए के हैं। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं 15 दिन से एक महीने की तो आपको डेफिनेटली इसको अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, काफी बड़े प्रॉफिट्स ये दे सकता है। रादर कि आप छोटी छोटी ट्रेड्स में जाएं वहां पर अपॉर्चुनिटी ढूंढे पैसा कमाने की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक आपको नियर टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड यहां पर काफी ज्यादा फेवरेबल दिखाई देता है। तो ओवरऑल ये व्यू है एचडीएफसी बैंक पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार ट्रेंड लाइन स्टॉक्स पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बराबर में दिया बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आप कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।